देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है, जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी, उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना